गोलकुंडा वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से 75वीं यौमे आज़ादी का तिरंगा बंजारे दरवाज़ा क्रॉस रोड पे जनाब मोहम्मद जाकिर इलियास अकबर और इलाके के समाज में कारकुनान ने फहराया। बच्चों में मिठाई भी तकसीम की गई है, आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियाँ। चलो जी ले लो चलो 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 चलो। हर साल की तरह इस साल भी 15 अगस्त के 75वीं साल भी सालगिरह आज बंजारी दरवाजे में गोलकुंडा वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से मनाया गया है और तमाम हजरात को मुबारकबाद देते हुए तकरीर ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे टीवी मीडिया चैनल के ज़रिए देखने वाले तमाम नाजरीन को 75वीं यौम आज़ादी हिंद बहुत बहुत मुबारक। गोलकुंडा बंजारी दरवाज़ा और रेशम बाग और गोलकुंडा वेलफेयर एसोसिएशन के सदर जनाब मोहम्मद जाकिर साहब के जानिब से आज 75वीं यौम आज़ादी मनाया गया है, जिसके अंदर मौजज़ीन गोलकुंडा जिसमें रेशमबाग और बंजारी दरवाज़ा के तमाम मौजज़ीन रहने वालों को यहां पर बुलवाया गया। साथ ही साथ दीनी तालीम और असरी तालीम हासिल करने वाले तमाम स्टूडेंट्स को भी यहां पर बुलाकर इनके साथ में 75वीं यौम आज़ादी मनाई गई और जाकिर साहब का सिर्फ एक ही और एक ही मुतालबा है तमाम हिंदुस्तानियों से कि अपने सेकुलरिज्म को बरकरार रखो, अपनी कौमी एकजहती को बरकरार रखो। हम तमाम हिंदुस्तानी एक गुलदस्ते की शक्ल में हैं, जिस तरीके से गुलदस्ते में अलग अलग तरह के फूल से जमा होकर एक गुलदस्ता बनता है, इसी तरीके से हिंदुस्तान भी एक गुलदस्ता है। यहाँ पर कई बोलियाँ बोली जाती हैं, कई जबानें बोली जाती हैं, साथ ही साथ कई मजाहिब के लोग रहते हैं, लेकिन हम तमाम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान के लिए अपनी जान और माल को कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जय हिंद, खुदा हाफिज़।